हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल वी चार्टिंग से आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि MT4 जो कि एक चार्टिंग और एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसका डेमो कैसे लिया जाए। वी चार्टिंग में हम लोग MT4 के ऊपर रियल टाइम डेटा फीड प्रोवाइड करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसका डेमो लिया जाए। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट vcharting.com ओपन करनी होगी। उसके बाद में प्रोडक्ट्स में फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट है रियल टाइम MT4 चार्ट्स, उसमें डिटेल्स पे क्लिक करिए। पेज को स्क्रॉल करने पे आपको एक बटन मिलेगा गेट डेमो डिटेल्स ऑन ईमेल, उसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, आपकी डिटेल्स डालनी है। नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर ये डालने के बाद में आपको ये लिंक है सेंड ओटीपी, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद में यहाँ पे इस फील्ड में आपको ओटीपी डालना है और ये बटन के ऊपर सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक मैसेज आएगा सक्सेस डेमो डिटेल्स सेंड टू योर ईमेल, इसका मतलब है कि डेमो डिटेल्स आपको ईमेल कर दी गई है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको तुरंत ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में तुरंत आपको ईमेल मिल जाएगा। कभी कभार ये ईमेल स्पैम फोल्डर में भी आते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर दोनों चेक करिए। यहाँ पे ये फर्स्ट टैब में मेरा ईमेल आईडी खुला हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मुझे मेल रिसीव हो गया है जिसका सब्जेक्ट है क्रेडेंशियल फॉर डेमो आईडी फॉर मेटाडेटा 4। सो मैं ये मेल ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे इंस्टॉलेशन लिंक दी गई है जहां से मैं MT4 इंस्टॉल कर सकता हूँ, और साथ में मुझे डेमो के आईडी पासवर्ड और सर्वर दिया गया है। ईमेल में गई इंस्टॉलेशन लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे कि एक exe फाइल जो कि ये MT4 सेटअप फाइल है, ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करने से MT4 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप MT4 का इंस्टॉलेशन जो कि इसका डिफॉल्ट पाथ है वहां पे सेव नहीं करके कहीं और सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में आके ये चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है, डिफॉल्ट पाथ है, वो रख के मैं इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक ये आइकन बन चुका है ट्रेडाइज MT4 टर्मिनल, ये MT4 का शॉर्टकट है। यहाँ से आपको MT4 ओपन करना है। ये मेटाडेटा 4 एप्लीकेशन है जहाँ पे ये पहला विंडो है जहाँ पे मुझे वो लॉगिन डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रेडाइज डेमो सर्वर है, वो मुझे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग अकाउंट, न्यू डेमो अकाउंट और न्यू रियल अकाउंट। तो मुझे एग्जिस्टिंग अकाउंट, एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे डालना है जो कि मुझे ईमेल में रिसीव हुआ था। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी आप ये यहाँ से आईडी और पासवर्ड कॉपी करें तो कोई भी ब्लैंक स्पेस कॉपी ना करें। जैसे ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस एक 9 के आगे एक ब्लैंक स्पेस कॉपी कर दी है। तो अगर मैं ब्लैंक स्पेस कॉपी करके मैं यहाँ पे डालता हूँ MT4 में, तो मुझे लॉग इन एरर आ सकता है, लॉग इन नहीं होगा।
तो या तो आप टाइप करें यहाँ से ईमेल में से लेके आप टाइप करें, या फिर आप ध्यान रखें कि आप कोई भी ब्लैंक स्पेस कॉपी ना करें। ये मैंने आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सेम वे मैं पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी ब्लैंक स्पेस कॉपी ना हो जाए। मैंने पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये सेव पासवर्ड का जो टिक मार्क है इसे टिक ही रहने दीजिए और फिनिश पे क्लिक करिए। एक अलर्ट साउंड आपको सुनाई देगी जो कि एक इंडिकेशन है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। इसमें यहाँ पे मार्केट वॉच में आप देखेंगे कि रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में नीचे आप देखेंगे कि कुछ बाइट्स कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हो। अगर आपके लॉगिन में कोई इश्यू होता या आईडी या पासवर्ड कुछ गलत होता तो यहाँ पे ये नंबर्स आने की बजाय कुछ एरर मैसेज आता है यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम MT4 में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो ये था हमें MT4 में कैसे लॉगिन करना है। मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि MT4 को कैसे यूज किया जाए और कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये MT4। स्क्रीन पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही है। अगर आपको ये सिस्टम को लेके किसी भी तरीके की क्वेरी है या कोई भी सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@vcharting.com, या फिर दिए हुए कोई भी नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी चार्टिंग में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारे क्लाइंट्स को हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल टूल्स देते रहें। तो अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेड सब्सक्राइब बटन दबा के हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।